कैमरा ऑन हेलो 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 एवरीवन हाउ आर यू गुड इवनिंग टू ऑल आप इस सेशन के लिए जुड़ जाइए आप जितना जुड़ोगे उतना मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ तो जो भी सेशन से जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ जाइए हेलो एवरीबॉडी। Am I audible to you? Good evening, good evening everyone. आज के सेशन में अपन कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आप डील करते हो उसको अपन सॉल्व करने वाले हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल तो क्लासिकल मैकेनिक्स पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं जो सी एस आई नेट के लिए क्या है रेलेवेंट है कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो ट्रिकी भी हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बार बार सी एस आई नेट में रिपीट भी होती हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को आज अपन क्या करेंगे उनके करने का तरीका सीखेंगे और साथ ही साथ कई ऐसी ट्रिक्स भी होती हैं जिनको अपने को सीखना चाहिए तो आज उन सभी चीज़ों के साथ अपन डील करने वाले हैं तो सेशन को शुरू कर देते हैं आप लोग जुड़ जाइए जुड़ते रहिए और अगर जुड़ गए हैं तो सेशन को लाइक करना ना भूलें चलो स्टार्ट कर देते हैं अपन देखिए सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है फेज स्पेस के बारे में क्या क्वेश्चन आपको विजिबल है अगर दिख रहा है आप यस कमेंट कर दीजिए अगर नहीं दिख रहा है तो आप नो कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता रहे कि ये क्वेश्चन आपको विजिबल है कि नहीं है ओके आई होप कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं इस सेशन को जो कि प्रैक्टिस सेशन होने वाला है अपना सी नेट के लिए तो इंगेज हो जाइए बच्चों ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है अपन प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की जो हो सकता है कि आपके पास क्या क्वेश्चन विजिबल नहीं है आपको ओके okay. ज इट विजिबल राइट नाउ अच्छो हाँ या ना लिख के आप कमेंट करते रहिए ताकि मुझे पता लग सके सच में क्वेश्चन विजिबल है कि नहीं है आई होप इट इज विजिबल नाव लेट्स स्टडी द क्वेश्चन देखो क्वेश्चन यह कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इन ए स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फेज स्पेस प्रोजेक्टरीज सपोज कंट्रोल ऑफ कॉन्सटेंट एनर्जी पार्टिकल मूविंग इन ए वन डायमेंशनल पोटेंशियल क्या बता रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉलोइंग में से कौन सी ट्रिजेक्ट्री एक रिप्रेजेंटेशन है फेज स्पेस का इस पर्टिकुलर पोटेंशियल के लिए आई होप आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा राइट right? देख सकते हैं आप क्वेश्चन को वेरी गुड चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपन अपने पास क्या दे रखा है अपने पास एक फेज स्पेस दे रखा है और स्पेस में एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के लिए आपको ट्रेजेक्ट्री पूछी गई है ये पोटेंशियल कौन सा है ये पोटेंशियल है वी एक्स इक्वल टू माइनस के हाफ एक्स स्क्स बाई फोर एक्स टू द पावर फोर तो अपन ऑप्शन चेक करते हैं ऑप्शन में क्या क्या है एक तो ट्रेजेक्ट्री है ऑप्शन ए एक ट्रेजेक्ट्री है ऑप्शन बी एक ट्रेजेक्ट्री है ऑप्शन सी और एक ट्रेजेक्ट्री है ऑप्शन डी चारों में से कौन सा ऑप्शन होने वाला है आपको क्या लग रहा है एक बार आप कमेंट कर दीजिए क्योंकि आप अंदाजा भी लगा सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत पोटेंशियल के बारे में थोड़ा बहुत पोटेंशियल के स्ट्रक्चर के बारे में आप जानते हो तो आप इस चीज़ के बारे में अंदाजा भी लगा सकते हो अगर नहीं जानते हो देन आई विल टेल यू अगर जानते हो तो एक बार कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है क्या ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला है क्या सी या फिर डी ओके okay गाइस तो अपन शुरू कर देते हैं देखो बात यह है कि इस पोटेंशियल को सोल्व करना पड़ेगा इस पोटेंशियल को ड्रॉ करना पड़ेगा जब भी आपके पास में फेज स्पेस प्रोजेक्टरी का कोई भी क्वेश्चन आता है बच्चों आप सबसे पहले यही काम करिए कि उस पोटेंशियल के डायग्राम को बनाइए अगर आप डायग्राम को बना लेते हैं देन आपका फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखिए एक बार इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे ये जो वीएक्स आपको दे रखा है माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन माइनस फोर एक्स टू पावर फोर इसको आप क्या करेंगे इसको आप क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे कैसे ड्रॉ करेंगे इस इस आ, इस पोटेंशियल को आप देखिए इस पोटेंशियल को ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे सबसे पहले इस पोटेंशियल के मिनिमम और मैक्सिमम मैक्सिमम पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे

फर्स्ट डेवेटिव लेने के बाद में आप देखो क्या आएगा आपके पास में माइनस का एक्स प्लस एक्स क्यूब इसको आपने जीरो करा आपके पास पॉइंट क्या आएंगे एक्स इक्वल्स टू जीरो माइनस वन राइट ये पॉइंट्स आने के बाद में इनमें से कौन सा पॉइंट मैक्सिमा का है और कौन सा पॉइंट मिनिमा का है वो हमें चेक करना पड़ेगा अगर आपके पास में मैक्सिमा का पॉइंट है तो उस पर मैक्सिमा पॉइंट की तरफ से अपन ड्रॉ करेंगे अगर वो मिनिमा का पॉइंट है तो अपन उस पर मिनिमा का पॉइंट ड्रॉ कर देंगे एक बार देखते हैं अगर अपन इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं बच्चों सपोज तो करो कि आप एक्स बराबर जीरो पर ले रहे हो तो क्या आएगा डबल डेरिवेटिव माइनस वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर अगर आप जीरो पे चेक कर रहे हैं तो ये आएगा माइनस वन विच इज लेसर देन जीरो तो इस पॉइंट पे क्या होने वाला है आपका मैक्सिमा पॉइंट होने वाला है अगर अपन एक्स बराबर प्लस माइनस वन पर चेक करें डबल डेरीवेटिव तो ये जो डबल डेरीवेटिव है प्लस माइनस वन पर ये क्या रहने वाला बच्चों देखिए एक बार प्लस माइनस वन पे क्या होगा ये प्लस माइनस वन पे हो जाएगा माइनस के वन प्लस के थ्री, प्लस माइनस वन का होल से ये क्या होगा मिनिमा पॉइंट्स होंगे अगर अपन ड्रॉ करना चाहिए इस पोटेंशियल को तो किस तरह से इस पोटेंशियल को आप ड्रॉ करेंगे इस पोटेंशियल को ड्रॉ करने के लिए आप एक्सिस ड्रॉ कर लो एक बार तो चलिए अपन ने एक्सिस ड्रॉ कर ली ये एक्स एक्सिस हो गई ये पोटेंशियल एक्सिस हो गई आपके पास में एक जीरो पॉइंट है आपके पास में एक माइनस वन पॉइंट है एक प्लस वन पॉइंट है अब यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी तो अगर आप वी जीरो चेक करो मतलब x बराबर जीरो पर पोटेंशियल की वैल्यू चेक करते हो तो वो जीरो ही आने वाली है अगर v प्लस माइनस वन चेक कर रहे हो तो वो कितनी आने वाली है माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई फोर दैट इज गोइंग टू बी माइनस के वन बाई फोर राइट ये होने वाला है p बराबर या फिर x बराबर प्लस माइनस वन पर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो नेगेटिव रहने वाली है ये जो नेगेटिव वैल्यू रहने वाली है बच्चों ये नेगेटिव वैल्यू क्या करेगी आपको ये नेगेटिव वैल्यू आपको पोटेंशियल को नेगेटिव कर देगी इन दोनों पॉइंट्स पर तो अगर आप पोटेंशियल ड्रॉ करोगे तो जीरो पर पोटेंशियल क्या है मैक्सिमा है और प्लस माइनस वन पर क्या है मिनिमा है तो आप पोटेंशियल को कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हो अगर ऐसा आपके पास में पोटेंशियल आ रहा है बच्चों तो आपकी स्पेस प्रेजेक्ट्री क्या रहेगी सबसे पहले देखिए कि प्लस माइनस वन पर मिनिमम अगर आपके पास में एनर्जी है तो आपके पास में सर्कुलर ऑर्बिट्स मिलने वाली है अगर थोड़ी और एनर्जी रहेगी तो आपके पास में इलेप्टिकल ऑर्बिट मिलने वाली है यहां पर भी आपके पास में क्या मिलने वाली है इलेप्टिकल ऑर्बिट मिलने वाली है लेकिन एक सर्टेन एनर्जी से ज्यादा अगर पार्टिकल के पास है तो ये पूरा का पूरा पोटेंशियल जो है उसके पास में एक सिंगल पोटेंशियल की तरह काम करता है तो वहां पर दो अलग अलग ट्रिजेक्ट्री नहीं मिलने वाली है एक सिंगल ट्रिजेक्ट्री मिलने वाली है लेकिन ये तब होगा जब अपन बात कर रहे हैं एक सर्टेन एनर्जी से ज्यादा तो पहले आपको क्या मिलेगा एक्स बराबर प्लस वन पर और एक्स बराबर माइनस वन पर आपको सर्कुलर प्रेजेक्टिव मिलेगी लेकिन जैसे एनर्जी आप बढ़ाओगे आपको मिलना हो जाएगी। तो अपन ऑप्शन चेक करते हैं ऑप्शन पहला ये है पहला ऑप्शन क्या कहता है एक्स बराबर माइनस वन पर और एक्स बराबर प्लस वन पर आपको क्या मिल रही है सर्कुलर ट्रेजेक्ट्रीज मिल रही है और जैसे जैसे हाई एनर्जी की ट्रेजेक्ट्री है वैसे वैसे दो ट्रेजेक्ट्रीज ना होकर आपको एक ट्रेजेक्ट्री मिल रही है अगर अपन ऑप्शन बी चेक करें तो ऑप्शन बी में देखो बच्चों क्या है ऑप्शन बी में पी और पी पर ये सर्कल्स बन रहे हैं जो तो कि क्या है रॉन्ग है ऑप्शन सी चेक करते हैं ऑप्शन सी में भी ऑप्शन वन की तरह ही कुछ कुछ ऐसा लग रहा है पी एक्स बराबर प्लस माइनस वन पर सर्कल तो है लेकिन ये ट्रेजेक्ट्रीज क्या है एक तरह से फाइनाइट रेजिक्ट्रीज हैं बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेजेक्ट्रीज नहीं है या फिर इन ट्रेजिक्टीज को ओपन नहीं रखा गया है भाई आगे बात करते हैं आगे क्या है नन ऑफ तो तो वाला है नहीं ये और इसमें से एक हो सकता है लेकिन कौन सा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होने वाला है देखो बच्चों आपके पास में ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्या है ऑप्शन ए क्या है करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि आपको कोई फाइनाइट नंबर ऑफ प्रेजिक्ट्रीज नहीं मिलने वाली है थोड़ी थोड़ी जब एनर्जी बढ़ेगी जब एनर्जी गैप थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा तो उस एनर्जी गैप के दौरान आपको अलग अलग प्रेजेक्ट्रीज मिलने वाली हैं जो कि जब तक पोटेंशियल वेल आगे बढ़ता जा रहा है तब तक मिलने वाली है तो प्रेजेक्ट्रीज की कोई लिमिट नहीं है ये आगे बढ़ती रहेगी यहाँ पर एक फाइनेट रेजेक्ट्रीज दे रखी है जो कि इस रेफरेंस में यहां पर क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा चलो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं अपन भाई अपने पास क्या दे रखा है एक अपने पास दे रखा है कंसिडर सर्कुलर ऑर्बिट इन सेंट्रल फोर्स विद पोटेंशियल पी आर इक्वल्स टू माइनस के अपॉन आर की पावर एन के इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एंड एन इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम जीरो पीरियड ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इज टी वन एन डेट ऑफ आर इज रेडियस टू आर इज टी देन फाइंड टी टू अपॉन टी वन आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों आपको ये फाइंड आउट करना है कि अगर आपके पास में एक सेंट्रल पोटेंशियल है तो उस सेंट्रल पोटेंशियल के चलते अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट क्रिएट कर रहा है तो उस सर्कुलर ऑर्बिट में अगर दो रेडियस हैं आर और टू आर एक का टाइम पीरियड टी वन है एक का टाइम पीरियड टी टू है तो इन दोनों टाइम पीरियड्स के चलते वो सर्कुलर ऑर्बिट उस टाइम पीरियड में कितना रेशियो जनरेट कर रही है भाई टी टू अपॉइंट टी वन अपने को निकालना है टू आर रेडियस का जो सर्कल है उसका टाइम पीरियड कितना है आर रेडियस का जो सर्कल है उसका टाइम पीरियड कितना है और उन दोनों का रेशियो कितना है वो अपने को फाइंड आउट करना है कैसे करेंगे बच्चों अपन देखो इसका जो मैथड है बच्चों को मैं बता देता हूं आपके पास में एक पोटेंशियल दे रखा है माइनस के अपोन आर की पावर है और आपके पास में यू इफेक्टिव क्या हो जाएगा के अपोन आर की पावर है जब भी आपको सेंट्रल फोर्स फील्ड में क्वेश्चन दिए जाए तब आप क्या करोगे कि आप यू इफेक्टिव निकालोगे क्या निकालोगे आप इफेक्टिव पोटेंशियल निकालोगे इफेक्टिव पोटेंशियल कैसे निकालोगे बच्चों जो भी आपके पास में पोटेंशियल है उसमें आप क्या कर दोगे तो सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल है उसको आप एड कर दोगे क्या कर दोगे सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल को एड कर दोगे जैसे ही आप ये करोगे अब आपके पास में एक नेट पोटेंशियल आ चुका है और इस नेट पोटेंशियल को अगर आप ड्रॉ करोगे भाई तो अगर अगर आप आर बराबर आर एन टू पावर एन पर आप करते हो मीन्स एन बराबर वन पर आप करते हो तो आपके लिए जो ग्राफ है वो कुछ कुछ ऐसा दिखाई देता है राइट और उसमें बहुत सारी ट्रिजिक्ट्रीज होती हैं सर्कुलर प्रेजक्ट्रीज होती हैं इलेप्टिकल होती हैं हाइपरबोलिक होती हैं पैराबोलिक होती हैं बहुत सारे प्रजेक्ट्रीज उसमें आती हैं अपने को क्या कहा गया है अपने को ये कहा गया है कि अगर अपने पास रेडियस आर की कोई भी सर्कुलर प्रजेक्ट्री आए जिसका टाइम पीरियड टी वन है और रेडियस आर टू की कोई सर्कुलर प्रजेक्ट्री आए जिसका टाइम पीरियड क्या है टी टू है तो इन सर्कुलर प्रजेक्ट्रीज़ के लिए टू अपॉन टी वन क्या होने वाला है चलो एक बार फाइंड आउट करते हैं बच्चों टी टू अपॉन टी वन क्या होने वाला है उसके लिए अपन क्या करेंगे सर्कुलर ट्रेजेक्ट्रीज के लिए क्या होता है बच्चों सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री के लिए यू इफेक्टिव मिनिमम होता है अगर यू इफेक्टिव मिनिमम है इसका मतलब क्या होगा ई यू इफेक्टिव अपॉन डी आर वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अपॉन डी आर माइनस के अपॉन आर की पावर एन प्लस एल स्क्वायर अपॉन टू एम आर स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा बच्चों जीरो हो जाएगा अब देखो जीरो होने की कंडीशन क्या है ये होगा माइनस एन आर की पावर माइनस एन माइनस वन माइनस नोट माइनस यस माइनस एल स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब इक्वल टू जीरो इसको अगर आप सॉल्व करोगे फर्दर तो आपको क्या मिलेगा बराबर एल स्क्वायर अपोन एम आर क्यू राइट अगर आप इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है बच्चों देखिए आपके पास में है के एन अपोन आर की पावर एन प्लस वन राइट इक्वल्स टू क्या होगा एल स्क्वायर अपोन एम आर क्यू ये होने वाला है राइट right? अब ध्यान रखिए कि जब भी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री आती है सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में आर क्यूब जो होता है वो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है इसके प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है तो इसके लिए अपन क्या करने वाले हैं बच्चों जहां पे भी आर क्यूब दिखे उसको टी से रिप्लेस कर दीजिए तो भाई क्या हो जाएगा के एन आर की पावर एन प्लस वन इक्वल टू एल स्क्वायर यहां से आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन प्लस वन तो ये अगर आ गया है तो आप क्या करोगे ई वन निकाल लो आर आर के लिए टू निकाल लो टू आर के लिए और जो भी रेशियो आएगा उसको आप फाइंड आउट कर लो आपके पास में आंसर आ जाएगा भाई तो इसमें से इसमें से कोई एक आंसर आने वाला है शायद यही आंसर आने वाला है आप एक बार प्रैक्टिस करके जरूर चेक करना चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपने लांगरांजिन के बारे में क्या क्वेश्चन है एक बार पढ़ के देखते हैं द डायनेमिक्स ऑफ अ पार्टिकल गवर्न बाय द लांगरजियन स्क्राइप्स अनडेम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीटर ए डेम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीटर विद अ टाइम वेरिंग डेमिंग डेम्पिंग फैक्टर एंड अनडेम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीटर विदाइम डिपेंडेंट फ्रिक्वेंसी एफ्री पार्टिकल इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा लांगरंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी पड़ेगी हमारे पास लांगरंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है डेल एल डेल एक्स माइनस डी अपन डी टी एल एल अपन एल एक्सडोट इक्वल्स टू तो जीरो अब यहाँ पर जहाँ जहाँ पे जो एल है वो पे डिपेंडेंट है तो उसका डेरिवेटिव कर दीजिए क्या टर्म आएगी आपके पास में एक तो ये टर्म है डिपेंडेंट और एक ये टर्म है डिपेंडेंट तो आपके पास में क्या आने वाला है माइनस के के एक्स और माइनस के के एक्सडोट टी फिर माइनस ई अपोन डी टी एल एल, एल अपॉन डेल एक्सडोट क्या होने वाला है बच्चों एक तो एक्सडोट यहाँ पर है एक एक्सटोट यहाँ पर है तो आप उसके लिए क्या करोगे एम x dot minus k x t equals to zero तो आप फर्दर सॉल्व करोगे बच्चों माइनस के k x, minus के एक्स माइनस के के एक्स डोट टी माइनस एम एक्स डबल डोट प्लस यहाँ पे दो टर्म है एक्स ओ टी ध्यान रखिए उसके लिए आप क्या करोगे यू डॉट वी से उसको सॉल्व करोगे तो प्लस का के एक्स डॉट टी प्लस का के एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी आपके पास में फाइनल रिजल्ट बचता है बचता है बच्चों एम एक्स डबल डॉट इक्व टू जीरो विच फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन इज जीरो ये फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन कब जीरो होता है तब आपके पास में क्या होता है बच्चों एक फ्री पार्टिकल होता है तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट लिख सकते हैं क्या डाउट आ रहे हैं आपको कौन से तरह से आप इस क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रस्पेक्टिव से आप इस क्वेश्चन को देखते हैं किस हिसाब से आपके हिसाब से ये होना चाहिए था आप एक बार इस, इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ओके देन लेट्स मूव अहेड हाँ भाई ये क्वेश्चन है पोजोन ब्रेकेट के बारे में क्या क्वेश्चन है भाई देखते हैं एक बार लेट ए बी एंड सी बी फंक्शंस ऑफ फेज स्पेस वेरिएबल्स कोऑर्डिनेट्स एंड मोमेंटा ऑफ अ मैकेनिकल सिस्टम इफ द ब्रेकेट रिप्रेजेंट्स पोजोन ब्रेकेट वैल्यू ऑफ ए बी सी ए बी सी इज गिवन बाई मतलब आपके पास में पोजोन ब्रेकेट दे रखे हैं और आपसे पूछ रहा है कि इन पोजोन ब्रेकेट का जो डिफरेंस है वो क्या होने वाला है आपको देख क्या रखा है बच्चों देखिए पोजोन ब्रेकेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं ध्यान रखिए है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं पोजोन ब्रेकेट जब आप ए बी देख रहे हो तो ये माइनस बी ए के इक्वल होता है अगर आप ए बी बी सी मल्टीप्लीकेशन में हैं तो आप क्या करोगे ए बी का पोजोन ब्रेकेट सी प्लस ए सी का पोजोन ब्रेकेट पी ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है पोजोन ब्रेकेट की और ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर आप एक्सचेंज करते हो वेरिएबल को तो उस एक्सचेंज के कारण बाहर एक का आ जाता है एक नेगेटिव आ जाता है बच्चों तो इस इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे कौन सी प्रॉपर्टी से सॉल्व करोगे जिस प्रॉपर्टी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो बच्चों उसको बोलते हो जैकोबियन क्या होती है जेकोबियन प्रॉपर्टी जेकोबियन प्रॉपर्टी ये बोलती है बच्चों कि अगर आपके पास में ए बी और सी का कोई पॉजोन ब्रैकेट है और उसको आप साइकिल ऑर्डर में क्या करते हो रोटेट करते हो तो उनके सारे परमिटेशन का जो सम होता है वो क्या होता है जीरो होता है अगर अपन सारे परमिटेशन लें तो भाई एबीसी तो आ गया अब आप क्या करेंगे सी को पीछे ले जाओ तो ए आगे खिसक जाएगा ए जैसे आगे खिसकेगा आपके पास ए आ जाएगा और बी भी क्या हो जाएगा आगे खिसक जाएगा प्लस अब जब आप बी को पीछे ले जाते हो राइट तो अब आपके पास बी पीछे आएगा थोड़ा आगे चला जाएगा और ए भी आगे चला जाएगा इन तीनों का जो सम होता है वो क्या होता है जीरो होता है क्या होता है बच्चों जीरो होता है इसको आप क्या बोलते हो इसको आप बोलते हो जेकोबियन प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन ब्रैकेट इससे आप कैसे सॉल्व करोगे भाई देखो इससे ये हो जाएगा आपके पास दे क्या क्या रखा है आपके पास में दे रखा है एबीसी और एबीसी, है ना एक में ब्रैकेट बीसी पर है और एक में में है। तो यहां पे देखो बीसी में कहां पर है ब्रैकेट और एबी में ब्रैकेट कहां पर है ये रहा ए बी में ब्रैकेट लेकिन यहां पर पहले आ रहा है यहां पर बाद में आ रहा है तो क्या क्या करोगे तुम लोग तुम लोग ये काम करोगे कोमा बी कोमा सी ठीक है इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ तो बाहर क्या जाएगा एक नेगेटिव आ जाएगा तो पॉजोन ब्रेकेट ऑफ ए बी कोमा सी प्लस बी कोमा सी कोमा ए वुड बी जीरो राइट ए होने वाला है तो आप क्या कहोगे कि अगर ये सही है ए बी सी ए बी ब्रैकेट सी एंड बी ब्रैकेट सी ए अगर ये तीनों मिलके जीरो हो रहे हैं इट कि आपके पास में क्या होने वाला है ए पी सी प्लस ए बी ब्रैकेट कोमा सी यहां पे आएगा नेगेटिव प्लस और क्या है बच्चों देखो पी सी ए क्या है लास्ट में पी कोमा सी कोमा ए इक्वल्स टू जीरो तो अब आपके पास में क्या रहने वाला है आपको इनका डिफरेंस निकालना है और इसका डिफरेंस इसके नेगेटिव के बराबर हो जाएगा और इसका नेगेटिव क्या आने वाला है बच्चों पी ए पी ये क्या रहेगा ओजोन ब्रैकेट राइट ये क्या रहेगा आपका ओजोन ब्रैकेट अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में आप रेस कर सकते हैं मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करके जाऊं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल फोर्स फील्ड के बारे में और ये क्या क्वेश्चन है बच्चों देखिए एक बार फॉर ए फ्री फॉर ए पार्टिकल मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ अ सेंट्रल फोर्स द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एंड द स्मॉल ई ऑफ द कॉनिक सेक्शन डिस्क्राइबिंग द ऑर्बिट रिड्यूस्ड मास म्यू एंगुलर मोमेंटम एल एंड द फोर्स कॉन्स्टेंट के इज गिवन बाय आपसे क्या पूछा है बच्चों आपसे एनर्जी एनर्जीट्रिसिटी एंगुलर मोमेंटम फोर्स कॉन्स्टेंट और रिड्यूस्ड मास में रिलेशन पूछा है ये रिलेशन आपके लास्ट में लास्ट में आता है जब आप फोर्स फील्ड को पूरा पढ़ लेते हो जब आप कॉनिक सेक्शन की ट्रेजेक्ट्रीज को चेक करते हो क्या रिलेशन होता है बच्चों एक बार देखो रिलेशन ये होता है बच्चों की इसेंट्रिसिटी जो होती है वो होती है वन प्लस ई e, वन प्लस ई एल स्क्वायर टू एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर म्यू का रूट ये रिलेशन होता है और इस तरह के रिलेशन को आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि नेट में कभी कभी क्या करता है आपसे ट्रेजेक्ट्रीज के बारे में कंडीशन पूछ लेता है आपसे ये पूछ लेता है ये पूछ लेता है कि ये रिलेशन क्या होने वाला है आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौनिक सेक्शन की इक्वेशन क्या होती है कौनिक सेक्शन की इक्वेशन होती है आर इक्वल्स टू रो अपॉन वन प्लस ई थीटा पे रो क्या होता है बच्चों आपका एल e है आपकी आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस किस पे कौन कौन सी कॉनिक सेक्शन की ट्रेजेक्ट्रीज बनती है ई e बराबर जीरो अगर लेते हो आप तो इसेंट्रिसिटी अगर आप जीरो लेते हो तो सर्कुलर बनती है वन लेते हो तो पैराबोला बनती है लेस देन वन और ग्रेटर देन जीरो हो तो आपके पास में इक्लिप्स बनता है और अगर ग्रेटर देन वन लेते हो तो आपके पास में क्या बनता है हाइपरबोला बनता है क्यों क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नेट में आ सकते हैं आपसे यह भी पूछ सकता है कि इसेंट्रिसिटी के करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है तो वैसा ही एक एक क्वेश्चन है कि आपको बोला है कि ई e और स्मॉल ई एनर्जी एंड में रिलेशन निकालिए क्या रिलेशन रहेगा बच्चों एनर्जी और इसेंट्रिसिटी में देखिए एक बार आपके पास में फॉर्मूला है ई इक्वल्स टू वन प्लस टूल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर म्यू का जो पावर है वो हाफ होगा तो यहां से स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ स्क्वायर करने पे आपको मिलेगा ई स्क्वायर वन प्लस टू ई एल जाएगी एनर्जी मिल जाएगी जो तो होगी ई स्क्वायर माइनस वन ठीक है और के स्क्वायर म्यू अपॉन टू एल स्क्वायर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों के स्क्वायर म्यू टू एल स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन पहला ऑप्शन करेक्ट लग रहा है क्या आपको बिल्कुल पहला ऑप्शन ही करेक्ट है राइट right? चलो आगे बढ़ते हैं कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को चलो भाई अब आ गए अपन के पे। किस तरह से आप टोन के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे भाई किस तरह से इनको आपको अटेम्प्ट करना है किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे चलो देखते हैं <coughs> देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम स्मॉल क्यू स्मॉल पी टू कैपिटल क्यू कैपिटल पी इज मेड थ्रू द जनरेटिंग फंक्शन एफ स्मॉल क्यू कैपिटल पी ठीक है दैट इज क्यू स्क्वायर पी और ये hamiltonian क्या है ये है where alpha एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कैपिटल क्यू एंड कैपिटल पी coordinates आर ये आपको क्वेश्चन दे रखा है तो भाई इसका आंसर क्या होने वाला है कौन सा आंसर होने वाला है चेक करो एक बार देखो, जब आपको एक जनरेटिंग फंक्शन दे रखा होता है ठीक है क्या है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट से दूसरे जनरलाइज कोर्डिनेट पर स्मॉल क्यू स्मॉल पी से कैपिटल क्यू कैपिटल पी पर जब आप जंप करते हो जब आप ट्रांसफॉर्म करते हो उस ट्रांसफॉर्मेशन को आप बोलते हो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन और ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे बच्चों ये जो जनरेटिंग फंक्शन है उसका आप यूज करोगे जनरेटिंग फंक्शन की कुछ इक्वेशन होती है और उन इक्वेशन को आप यूज कर सकते हो ये जो जनरेटिंग फंक्शन आपको दे रखा है ये जनरेटिंग फंक्शन है सेकेंड टाइप का जनरेटिंग फंक्शन ठीक है एफ स्मॉल क्यू कैपिटल पी इज सेकेंड टाइप ऑफ जनरेटिंग फंक्शन और उसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है बच्चों इक्वेशन होती है आपके पास में डेल एफ टू अपॉन डेल क्यू इक्वल्स टू स्मॉल पी और डेल एफ टू अपॉन डेल कैपिटल पी इक्वल्स टू स्मॉल क्यू सॉरी कैपिटल क्यू तो स्मॉल पी क्या होगा बच्चों डेल एफ टू अपॉन डेल क्यू इतना हो जाएगा ये ये हो जाएगा अपना क्यू स्क्वायर पी है एक बार डेरिवेटिव कर दीजिए क्योंकि रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा टू क्यू कैपिटल पी और अगर आप कैपिटल क्यू को निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा डेल एफ टू अपॉन डेल कैपिटल पी कैपिटल पी तो एक ही बार है तो आंसर आ जाएगा क्यू स्क्वायर यहां से आप क्या कर सकते हो क्यू को आप रूट कैपिटल क्यू लिख दो और इस क्यू से यहां पर आप कैपिटल क्यू से रिप्लेस कर दो क्या हो गया स्मॉल क्यू बराबर रूट कैपिटल क्यू और स्मॉल पी बराबर टू रूट क्यू कैपिटल पी क्या आ गया आपके पास में कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन आ गया क्या आ गया बच्चों आपके पास में कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन आ गया ये जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है इसका आप यूज करोगे और यूज करके क्या करोगे इस हैमिल्टोनियन को ट्रांसफॉर्म करोगे क्या करोगे इस हेमिल्टोनियन को ट्रांसफॉर्म करोगे कैसे करोगे एक बार हेमिल्टोनियन देख लो बच्चों हेमिल्टोनियन होगा पी स्क्वायर अपॉन टू अल्फा क्यू स्क्वायर प्लस पीटा बाय फोर क्यू की पावर फोर ठीक है क्या हैमिल्टोनियन है, है? स्मॉल पी स्क्वायर अपॉन टू अल्फा क्यू स्क्वायर प्लस पी। पीटा क्यू की पावर फोर राइट सॉरी फोर होगा यहां पर राइट तो चलो यहां पर स्मॉल पी कितना है स्मॉल पी है आपका टू रूट क्यू पी और स्मॉल क्यू कितना है रूट क्यू ये दोनों आप क्या करोगे हैमिल्टोनियन में ट्रांसफॉर्म कर दो हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा अब कैपिटल क्यू और कैपिटल पी का फंक्शन होगा और ये होगा कितना फोर क्यू कैपिटल पी स्क्वायर टू अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू स्क्वायर अपॉन फोर राइट ये कैंसिल हो जाएगा टू से क्यू से क्यू गया और ये आपके पास में रहेगा सिर्फ और सिर्फ अल्फा नीचे प्लस बीटा पीटा तो की पावर फोर बटे फोर ये आपके पास में क्या आ गया बच्चों हैमिल्टोनियन आ गया इस हैमिल्टोनियन से आप इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हो क्या रहेगी कैपिटल पी डॉट इज माइनस के डेल एच अपॉन डेल क्यू और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस बीटा अपॉन फोर फोर क्यू क्यूब डेट इज माइनस के बीटा क्यू क्यूब और टू डॉट कितना हो जाएगा डेल एच अपॉन डेल पी और ये कितना हो जाएगा आपके पास में टू टू पी अल्फा दट इज फोर अल्फ़ा सॉरी फोर पी अपोन अल्फा ये आपके पास में क्या आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया इसके टर्म्स में कैपिटल क्यू और कैपिटल पी की टर्म्स में राइट right? जो भी ऑप्शन आपको सही लगे आप इसमें फीड कर सकते हो और आंसर को चेक कर सकते हो भाई जो भी ऑप्शन लगे उसको फीड करके आंसर को चेक कर लेना एक बार चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई आपने बहुत सारे नॉर्मल मोड के क्वेश्चन देखे होंगे राइट right? पहले भी आपने बहुत सारे नॉर्मल मोड के क्वेश्चन देखे होंगे नॉर्मल मोड के क्वेश्चन को आप बहुत तरीके से हैंडल कर सकते हो एक सिंपल मैथड तो ये रहता है कि आप फोर्स इक्वेशन को निकालो और फोर फोर्स इक्वेशन किस तरह से आती है भाई एक्स डबल डोट प्लस समथिंग एक्स इक्व टू जीरो आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाता है लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है इस क्वेश्चन में आपको

और इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है इक्वेशन ऑफ मोशन को पूछा गया है ठीक है क्या पूछा गया है इक्वेशन ऑफ मोशन को पूछा गया है किस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे बच्चों देखिए आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए आपको चाहिए काइनेटिक एनर्जी और आपको चाहिए पोटेंशियल एनर्जी अगर ये दोनों आ जाती है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं लांगराज से राइट लांगराजिन आपका हो जाएगा टी माइनस के यू और वहां से आप इक्वेशन ऑफ मोशन को निकाल सकते हैं लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो आप आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ये होगी ये वाली लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को आप कैसे निकालोगे ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को आप किस तरह से डिराइव करोगे भाई तो भाई पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के लिए हमेशा सेम रहती है क्या होती है हाफ के एक्स स्क्वायर लेकिन एक्स क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों एक्स क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पर वो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होने वाला है तो अगर मान लो आपने एक्स डायरेक्शन में स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया तो यहाँ से स्प्रिंग क्या हो जाएगी स्ट्रेच हो जाएगी यहाँ से भी ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी तो यहाँ पर लेंथ उसकी एल है यहाँ पर भी एल है यहाँ पर कितनी लेंथ हो जाएगी अगर एक्स स्ट्रेच कर दिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये भी लेंथ बढ़ जाएगी ये भी बढ़ जाएगी कितनी बढ़ी आपकी बढ़ी हुई लेंथ हो जाएगी एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस की ये क्या हो जाएगा आपका बच्चों डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट से आप क्या निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट से आप स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो कैसे निकालोगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्ल का होल स्क्वायर राइट इस तरह से आप क्या कर सकते हो बच्चों स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हो एक की आ गई दूसरी भी सेम है दो से मल्टीप्लाई कर दो आपके पास आ जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर दो से मल्टीप्लाई क्यों किया है बच्चों दो से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है ताकि क्योंकि तो दोनों स्प्रिंग क्या है आइडेंटिकल है और दोनों में जो स्ट्रेच होगा वो भी क्या रहेगा सेम रहेगा अगर दोनों में स्ट्रेच ही सेम रहने वाला है तो दोनों में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी जो पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होगी वो भी क्या होगी सेम होगी इसीलिए सीधा दो से मल्टीप्लाई कर दिया चलो भाई पोटेंशियल एनर्जी आ गई काइनेटिक एनर्जी आ गई दोनों चीजें अगर आपके पास में आ चुकी है तो आप लांग निकाल सकते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन को भी क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं मेन टास्क इतना ही रहता है कि आप क्या निकालो पोटेंशियल एनर्जी निकालो चलो भाई और कोई क्वेश्चन है तो चेक करते हैं हाँ भाई एक फाइनल क्वेश्चन और करते हैं एक फाइनल क्वेश्चन और करते हैं किस तरह से इस फाइनल क्वेश्चन को हम कर सकते हैं तो आपके पास में क्वेश्चन है पार्टिकल का काल मूव इनशियल प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई टू विच कंपोनेंट और कंपोनेट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज आर ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन कौन से कंपोनेंट क्या होंगे कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन होंगे क्या है भाई ये क्वेश्चन में आपको एक पोटेंशियल दे रखा है और इस पोटेंशियल के बारे में ये कहा गया है कि इस पोटेंशियल में जो भी पार्टिकल मूव करेगा उसके लिए कांस्टेंट ऑफ मोशन क्या होगा कांस्टेंट ऑफ मोशन आप कैसे निकालते हो दो तरीके होते हैं कांस्टेंट ऑफ मोशन निकालने के लिए एक तरीका तो होता है कि आप साइकिल कोऑर्डिनेट निकाल लो और एक तरीका ये होता है बच्चों कि आप सीधी इक्वेशन जो कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन होती है वो क्या करेंगे उसके सीधे इक्वेशन लिख देंगे एक तो ये है आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई टू को आप क्या कर दोगे साइक्लिक कोऑर्डिनेट से सॉल्व कर दोगे और दूसरा आपके पास में ये है बच्चों कि आप क्या कर सकते हो सीधा कांस्टेंट ऑफ मोशन का इक्वेशन लगा सकते हो मान लो आपके पास में एक कोई वेरिएबल है जो क्या है कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन है तो कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन की इक्वेशन क्या लगेगी डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू पॉजोन ब्रेकेट ऑफ ए विथ एच देखो अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है नेट में आपको सबसे मेन काम है आपका क्वेश्चन सोल्व करना ठीक है आपको जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो करो क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होगे बात तो यही है ठीक है नेट का जो मोटिव है वो क्वेश्चन सोल्व करने का है नेट का मोटिव है कि आप जैसे ही क्वेश्चन को देखो आप ये सोचो कि इसको, कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है अगर आपको वो आता है तो आपको और किसी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो अपन देखो कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को साइक्लिक कोऑर्डिनेट वाले से भी कर सकते हैं एंड कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन का जो एक फॉर्मूला होता है उससे भी आप कर सकते हो लेकिन उस फॉर्मूले से क्या होगा आपको बार बार जाके चेक करना पड़ेगा कि यार एलेक्स होने वाला है क्या है एल वाई होने वाला है क्या या फिर एल जेड होने वाला है क्या है कि नहीं है तो ये लेंदी काम हो जाएगा अपन क्या करते हैं सीधा साइक्लिक कोऑर्डिनेट पे जम करते हैं कैसे आप इस क्वेश्चन को साइक्लिक कोऑर्डिनेट से सॉल्व कर सकते हो बच्चों एक बार देखो कि जैसे ही आप एक्स वाई और जेड को इसमें कन्वर्ट करते हो आर थीटा और फाइव में तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों आपका पोटेंशियल अभी फिलहाल में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई टू और यह हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई टू अगर कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों तो आप कॉमन निकाल लीजिए क्या कॉमन आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव कॉमन आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा वन हो जाएगा प्लस आपके पास में रहेगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई टू इसको क्या फर्दर सॉल्व किया जा सकता है अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो लेकिन अब आपके पास में क्या रहेगा सॉरी 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 आई थिंक वी हैव मेड अ मिस्टेक मिस्टेक इज अबाउट द एंगल्स देखिए जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि कोई भी मिस्टेक ना रहे x बराबर होता है r साइन थीटा कोस फाइव y बराबर होता है r साइन थीटा साइन फाइव और z बराबर होता है r ओस थीटा राइट अपन ने यहाँ पे फाइव लिख दिया था पहले एक्चुअली मैं अपने को लिखना चाहिए था थीटा यहाँ पर और फाई जो है वो रहेगा यहाँ पर तो यहां पर थीटा यहां पर और फाइव यहां पर तो आपके पास जो कॉमन एलिमेंट आएगा दैट विल बी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट साइन स्क्वायर फाइव राइट तो क्या होगा बच्चों अब आप क्या कर सकते हो कि ये जो पूरा का पूरा, पूरा पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है आर और थीटा पे डिपेंड कर रहा है और डिपेंड किस पे नहीं कर रहा है फाइव पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये यह फाइविपेंडेंट है क्या है फाइव इंडिपेंडेंट है और जब आप लांगराजिन इसका लिखोगे तो आप लिखोगे एक बटा दो मास आर डोट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डोट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट स्क्वायर माइनस के पोटेंशियल और यहां पर आप देखोगे कि पोटेंशियल किस किस पे डिपेंड कर रहा है आर डोट पे कर रहा है थीटा डोट पर कर रहा है फाइव डॉट पर कर रहा है आर पे कर रहा है थीटा पे कर रहा है और पोटेंशियल भी आर और थीटा पे डिपेंडेंट है तो कौन सा कोऑर्डिनेट है जो इंडिपेंडेंट है जिस पे लांगराजियन डिपेंड ही नहीं कर रहा है वो कोऑर्डिनेट है बच्चों फाइव और फाइव क्या हो जाएगा आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा ठीक है लेकिन फाइव कोऑर्डिनेट के रिगार्डिंग मोमेंटा कौन से होने वाला है एंगुलर मोमेंटा कौन सा होगा भाई तो क्या एलेक्स होगा क्या एलवाई होगा या फिर एल होगा तीनों में से कौन सा ऑप्शन होने वाला है तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आप डायग्राम बनाओ सपोज तो करो ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, कि जेड एक्सिस है, सपोज करो कि आप स्पीयर बना रहे हो और स्पीयर में एक पार्टिकुलर पॉइंट को चूज कर रहे हो जब तो आप इस पॉइंट को चूज करते हो तो आपके पास में जेड एक्सिस जो एंगल होता है वो होता है थीटा और इसका जो प्रोजेक्शन होता है एक्स वाई प्लेन पे वो एक्स एक्सिस से क्या बनाता है फाइव राइट वो एक्स एक्स से क्या बनाता है फाइव तो अगर आपका जो लांगराजिन है वो फाइव से इंडिपेंडेंट है इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर आप इस पार्टिकल को इस एक्स वाई प्लेन में कितना भी घुमाओ उसके रिगार्डिंग जो एंगुलर मोमेंटा रहने वाला है वो चेंज नहीं होने वाला है मतलब जेड एक्सिस के सापेक्ष जो एंगुलर मोमेंटा है वो क्या रहेगा कंजर्व रहेगा तो क्या ऑप्शन है क्या भाई एलजेड बिल्कुल बच्चों एलजेड क्या है ऑप्शन है चलो भाई हाँ भाई अब कोई कोई डाउट हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हो क्या डाउट है बच्चों सर फेस प्रजेक्ट्री को थोड़ा एक्सप्लेन करिए देखो बच्चों फेस ट्रेजेक्टरी अगर आप सी एस नेट के एग्जाम के लिए देखो तो काफी सिंपल आता है इतना कुछ हार्ड नहीं आता है ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको दो चीजें पूछता है फेस्ट ट्रेजेक्टरी में क्या पूछता है बच्चों देखो एक बार अपोज करो कि आपके पास में कोई फेज स्पेस है इस फेज स्पेस में वो क्या पूछ सकता है आपसे देखो दो चीजें जो मोस्टली पूछी जाती है सी नेट के एग्जाम में एक तो होती है ट्रेजेक्ट्री और दूसरा होता है वॉल्यूम ठीक है एक ट्रेजेक्ट्री पूछी जाती है और दूसरा यह पूछा जाता है कि अगर उसकी ट्रेजेक्ट्री ये है तो उसका वॉल्यूम क्या होने वाला है तो बच्चों आप ये काम करो कि सबसे पहले अपन ट्रेजेक्ट्री के क्वेश्चन को हैंडल करते हैं देखो बच्चों अभी अभी अपन ने देखा था अगर पोटेंशियल एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स फोर बाई फोर हो तो कुछ कुछ ऐसी आई थी और तो बढ़ती जा रही थी है ना तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप पोटेंशियल के स्ट्रक्चर पर अटैक करोगे पहली बात यही है कि पोटेंशियल को ड्रॉ कर लो जैसे ही आप पोटेंशियल को ड्रॉ करोगे जैसे अपन ने इस पोटेंशियल को ड्रॉ किया तो ये रहा पोटेंशियल ये रहा एक्स एक्सिस मान लो ये रहा प्लस वन पॉइंट ये रहा जीरो ये रहा माइनस वन तो पोटेंशियल कैसा आया था बच्चों कुछ ऐसा आया था पोटेंशियल और इस पोटेंशियल के लिए फेज स्पेस में ट्रेजेक्ट्री क्या थी ये थी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्या हुआ था मिनिमम एनर्जी है और मिनिमम एनर्जी पर क्या रहती है ट्रेजेक्ट्री सर्कुलर रहती है जैसे ही आप एनर्जी को थोड़ा बहुत बढ़ाते हो उस पॉइंट पर ये इलिप्टिकल होगी और जैसे ही एक सर्टेन एनर्जी से इस पॉइंट से तो ये बीच में मैक्सिमा है ना इनके इस पॉइंट से अगर आप ऊपर उठ जाओगे तो अब पार्टिकल को लगेगा कि वो दो पोटेंशियल वेल में नहीं है अब वो एक सिंगल पोटेंशियल वेल में है इसलिए ट्रेजेक्ट्री अब दो नहीं बनेगी अब एक सिंगल ट्रेजेक्ट्री क्या होनी है बनने वाली है राइट इस तरह से आप इन तरह के क्वेश्चनों को अटैक करते हो भाई और दूसरा आता है वॉल्यूम का क्वेश्चन वॉल्यूम तो के क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं देखो वॉल्यूम का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है जैसे अभी इस पोटेंशियल के लिए है कि चलो फॉर एग्जाम्पल अभी आप आप क्या करो सपोज करो कि जो वॉल्यूम है फेज स्पेस का वॉल्यूम उसको आपको कैलकुलेट करना है इस तरह से करोगे फेज स्पेस के वॉल्यूम को कैलकुलेट अगर आप वन डी में हो तो आप क्या करोगे आपके पास में एक पी एक्सिस होगी एक एक्स एक्सिस होगी अगर आप एलिमेंट से थ्रू वॉल्यूम एलिमेंट को कैलकुलेट करना चाहते हो आप लिखोगे डी पी डी क्यू का इंटीग्रेशन अगर आप सीधे करना चाहते हो तो आप लिखोगे पी डी क्यू का क्लोज इंटीग्रेशन तो जो भी सर्फेस ट्रेजेक्ट्री क्लोज कर रही है यू विल हैव ए ट्रेजेक्ट्री इन द हेमटोनियन और जो भी सर्फेस उस ट्रेजेक्ट्री को क्लोज कर रही है सपोज करो कि कैसा ऐसे कोई ट्रेजेक्ट्री है फेज स्पेस में ये ट्रेजेक्ट्री किसकी होगी ये ट्रेजेक्ट्री होगी अगर आपके पास में एक ऑक्सीलेटर होगा जैसे मान लो अगर हैमिल्टोनियन लिखोगे ऑक्सीलेटर का तो क्या लिखोगे पी स्क्वायर बाई टू एम प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर है ना अगर आप फेज स्पेस में ट्रेजेक्ट्री चेंज चेक चे, चे करोगे इसकी तो यह आएगी टू एम ई प्लस एक्स स्क्वायर टू ई बाई के इक्वल्स टू वन यही होगी हेमल्टोनियन क्या है कॉन्स्टेंट है अगर हैमल्टोनियन कॉन्स्टेंट है तो क्या होगा बच्चों पी स्क्वायर टू एम ई इधर आ जाएगा ये क्या है एनर्जी हो जाएगी हेमिल्टोनियन और यही e यहाँ पर आ जाएगा इसके अपोन में ये एक किसकी इक्वेशन है ये एक इक्लिप्स की इक्वेशन है जिसको आप फेज स्पेस में ऐसे ड्रॉ करते हो और आपसे पूछे डेट इफ वी हैव अ फेज ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ हार्मोनिक ऑक्सीडेटर डेट इज एन इक्लिप्स इन फेज स्पेस देन वाट इज द एरिया कवर्ड बाई दी हार्मोनिक ऑक्सीटर रिजेक्ट्री इन फेज स्पेस ये आपसे कोई क्वेश्चन करता है आप इसका जवाब कैसे दोगे भाई भाई सीधी सीधी बात है जो एरिया होगा वो एरिया किस पे डिपेंड करेगा एरिया डिपेंड करता है डी पी पी क्यू पे ठीक है अगर आप बात कर लो भाई इसके एरिया की बात कर रहे हो आप तो दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हो या तो भाई मोमेंटम निकाल लो मोमेंटम क्या आएगा इन दोनों में से भाई मोमेंटम आपके पास में आ जाएगा ई माइनस के हाफ के एक्स स्क्वायर और आप मल्टीप्लाई कर देंगे टू एम को और उसके ऊपर रख देंगे आप रूट राइट right? यहां से आप क्या कर सकते हो भाई क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन कर सकते हो और क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों ई माइनस के हाफ के एक्स स्क्वायर टू एम रूट में और डी एक्स इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो आपके पास में आंसर आ जाएगा लेकिन दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसको सॉल्व किया जा सकता है दूसरे तरीके से भी कि अगर आप मेजर और माइनर को निकाल लो वो पॉइंट जहां पर पी जीरो पी जीरो पर होगा इस इक्वेशन में पी को जीरो कर दो पी को जीरो करने पर यह टर्म जीरो और एक्स कितना हो जाएगा यहां पर रूट टू ई बाई के प्लस में और यहां पर आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस के टू ई बाई

लेकिन अगर आपके पास में डेफिनेट साइज नहीं है तब आपको इस मेथड से ही करना होगा आपके पास में कोई उपाय नहीं रहेगा अगर आपको डेफिनेट साइज दे रखी है जैसे कि इक्लिप्स का जो एरिया होता है वो होता है पाई ए बी राइट इक्लिप्स का एरिया कितना होता है पाई ए बी आपके पास में क्या क्या दे रखा है पाई आपको पता है ए हो जाएगी मेजर एक्सिस मेजर एक्सिस है टू ई बाई के ये रही मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है रूट टू एम ई एरिया कितना हो जाएगा टू सॉरी पाई रूट टू ई का स्क्वायर एम बाई के हो जाएगा टू ई पाई रूट एम बाई के और रूट एम बाई के को क्या लिखते हो आप टू ई पाई अपॉन ये हो जाएगा ओमेगा ओमेगा ही होता है ना रूट के बाई एम तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि किसी भी फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी के थ्रू जो वॉल्यूम आप कंसीड करते हो उसको आप निकाल सकते हो तो ये आ जाएगा आपके पास में फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी से वॉल्यूम जो आपने निकाला है इसको आप और फर्दर सॉल्व कर सकते हो अगर इसको क्वांटम में ले जाओ और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं आपको अगर आप इसको क्वांटम मैकेनिक्स में ले जाओ तो ये जो एनर्जी है ये हो तो जाएगी एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा राइट टू तो पाई मल्टीप्लाइड में है ये और ये ओमेगा ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा इन दिस विल बी एन प्लस हाफ एच कट टू पाई इज नथिंग बट एन प्लस हाफ एच सॉरी नॉट एच कट बट जस्ट एच है ना और ये आपको कुछ देखा देखा नहीं लग रहा है क्या एन प्लस हाफ एच अगर आप ग्राउंड स्टेट के लिए निकालोगे तो आएगी आपके पास एच पाई टू इसका मतलब जो तो फेज स्पेस में ट्रेजेक्ट्रीज होती हैं एच दिन बगर्टेंटी सभी जानते हो डेल एक्स डेल पी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच कट बाई टू मतलब जो मिनिमम एरिया रहने वाला है फेज स्पेस में ट्रू क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहे हैं ट्रू क्वांटम मैकेनिक्स वो रहता है एच कट कितना रहता है एच कट एच कट इज द मिनिमम एरिया और ये जो हार्मोनिक ऑक्सीटर है इससे भी आप ये चेक कर सकते हो बेसिकली ये करस्पॉन्डिंग है कि मिनिमम एरिया के बारे में और हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी के बारे में लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप बात कर रहे हो क्वांटम मैकेनिक्स की ना कि क्लासिकल मैकेनिक्स मैंने बस प्रॉब्लम को एक्सटेंड करा है आपको एक इंटरेस्टिंग परस्पेक्टिव देने के लिए चलो भाई आई थिंक दिस इज द एंड फॉर टूडेज क्लास इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन आप वीडियो खत्म होने के बाद में भी उस पर कमेंट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके जो डाउट्स है उसको सॉल्व किया जाए